नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा पाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सीधे प्रसारण की तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने बनाई नियमों की रूपरेखा। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सीधे प्रसारण की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने नियमों की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र ने प्रस्तावित नियमों पर 30 जून तक सुझाव मांगे हैं और ई कमेटी अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने भेजा हाईकोर्टों को पत्र। उन्होंने भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से सुझाव मांगे हैं। अलग अलग हाईकोर्टों को पत्र भेज दिए गए, उनसे सुझाव मांगे गए। सुझाव मिलने के बाद उठाया जाएगा अगला कदम। ये खबर है कि सुझाव अलग अलग हाईकोर्टों से मिलेंगे, उसके बाद अगला कदम बढ़ाया जाएगा। 3 वर्ष पहले आया था सीधे प्रसारण का सुझाव, अब इसको लेकर तैयारी की जा रही है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सीधे प्रसारण की तैयारी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने नियमों की रूपरेखा इसी को लेकर तैयार की है। साथ ही केंद्र ने प्रस्तावित नियमों पर 30 जून तक सुझाव मांगे हैं। ई कमेटी अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाईकोर्टों को पत्र भेजा है। अब 30 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। 30 जून तक अलग अलग हाईकोर्टों को सुझाव देने होंगे, इसके लिए पत्र भेज दिए गए और साथ ही हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव मिलने के बाद उठाया जाएगा अगला कदम। सुझाव जब मिलेंगे, क्या सुझाव मिलते हैं, उसके बाद अगला कदम होगा। और आपको याद हो 3 वर्ष पहले सीधे प्रसारण का सुझाव दिया गया था। युद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के रिकॉर्ड को लेकर नई नीति, रक्षा मंत्रालय की नई नीति। 5 वर्ष में बनना चाहिए रिकॉर्ड, अब ये बड़ी खबर है। युद्ध और ऐतिहासिक घटनाओं के रिकॉर्ड को लेकर नई नीति तैयार होगी। रक्षा मंत्रालय की नई नीति, 5 वर्ष में रिकॉर्ड बनना चाहिए, वो रिकॉर्ड 25 वर्ष बाद होना चाहिए वर्गीकरण के से बाहर। ये भी कहा गया कि जो रिकॉर्ड बनेगा वो 25 वर्ष बाद वर्गीकरण से बाहर होना चाहिए। पुरातत्व विभाग के पास भेजा जाना चाहिए पुराना रिकॉर्ड, ये भी कहा गया। 1962 के भारत चीन युद्ध का रिकॉर्ड अब तक गोपनीय और संवेदनशील जानकारी गोपनीय रखना सरकार का अधिकार है, ये भी कहा गया है। इस सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने नई नीति को मंजूरी दे दी है। अब कब तक ये नई नीति अमल में आती है, इसको लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। युद्ध या फिर ऐतिहासिक घटनाओं के रिकॉर्ड को लेकर नई नीति पर मंथन हो रहा है। रक्षा मंत्रालय की नई नीति है, 5 वर्ष में रिकॉर्ड बनना चाहिए और वो रिकॉर्ड 25 वर्ष बाद होना चाहिए वर्गीकरण से बाहर, ये भी कहा गया। पुरातत्व विभाग के पास भेजा जाना चाहिए पुराना रिकॉर्ड और साथ ही 1962 के भारत चीन युद्ध का रिकॉर्ड अब तक गोपनीय है, संवेदनशील जानकारी गोपनीय रखना सरकार का अधिकार है, ये भी कहा गया। और इस सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने नई नीति को मंजूरी दे दी। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट है यूपी को लेकर। यूपी मंत्रिमंडल फेरबदल पर योगी की सैद्धांतिक सहमति, ये कहा जा रहा है। यूपी को लेकर ये बड़ी खबर है। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत की रिपोर्ट है। यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल पर योगी सैद्धांतिक सहमत हो गए हैं, लेकिन सीएम योगी ने लखमान को सुझाव दिया। मंत्रिमंडल फेरबदल 15 जुलाई के बाद करने का सुझाव सीएम योगी की तरफ से दिया गया है अलखमान को। अब इसको लेकर कब तक रूपरेखा तय होती है, अलबत्ता मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद ही होगा। यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल, कहा यह जा रहा है कि योगी ने सुझाव दिया है 15 जुलाई के बाद फेरबदल करने का, और इसीलिए भी कहा जा रहा है मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद ही यूपी को लेकर कोई फैसला आएगा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, फेरबदल को लेकर, क्योंकि तब तक सभी लोग जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, उसमें बिजी रहेंगे। उधर अलकमान द्वारा योगी का सुझाव सिद्धांतत मंजूर कर लिया गया, ऐसी भी खबर है। और अगर ऐसा होता है तो मोदी कैबिनेट में भी, मोदी मंत्रिमंडल में भी विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं, उसके बाद ही यूपी को लेकर पूरी तस्वीर साफ होगी। ये शशिकांत की रिपोर्ट है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल की जो तैयारी है वो 15 जुलाई के बाद से ही दिखाई दे रही है, लेकिन सीएम योगी ने अलकमान को सुझाव दिया है 15 जुलाई का। उन्होंने कहा है कि 15 जुलाई के बाद अगर ये किया जाता है तो इसको लेकर सटीक ये बैठेगा, क्योंकि उससे पहले पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होंगे, उसमें सभी बिजी रहेंगे। अलकमान द्वारा योगी का सुझाव सिद्धांतत मंजूर भी कर लिया गया है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। देशभर के राजभवनों पर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। देशभर के अलग अलग राजभवनों पर प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी खबर है। किसान लगातार गुस्से में हैं, आंदोलनरत हैं, ये कहा जा रहा है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो घर वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये कह चुकी है कि घर जाएं किसान, क्योंकि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। ये कानून किसानों के हित वाले कानून हैं। देश भर के राजभवनों पर प्रदर्शन की तैयारी किसान कर रहे हैं।
26 जून को आंदोलनकारी किसान करेंगे प्रदर्शन, ऐसी खबर है। किसान संयुक्त मोर्चा ने इसकी घोषणा कर दी है, ऐलान किया। और इमरजेंसी की बरसी पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस किसान मनाएंगे। इमरजेंसी की बरसी पर यह ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है कि खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस उनकी तरफ से मनाया जाएगा। किसानों ने कहा है कि इमरजेंसी देश के इतिहास का काला अध्याय था और आज भी देश में अघोषित इमरजेंसी के जैसे हालात बने हुए हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध किसान संगठन लंबे वक्त से कर रहे हैं। किसान आंदोलन को 26 जून को 7 महीने हो जाएंगे और केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध को करीब 200 दिन हो गए हैं। अपने आंदोलन को तेज करने के लिए किसानों ने देश भर के राजभवन में 26 जून को धरना देने की घोषणा की है, ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता ने शुक्रवार को कहा कि 26 जून को किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, उनको भेजा जाएगा। केंद्र सरकार में होना चाहिए एनडीए से जुड़ी पार्टियों का शेयर, ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार में होना चाहिए एनडीए से जुड़ी पार्टियों का शेयर, ये कहा जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद लेकिन सरकार में भागीदारी नहीं है। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है एनडीए में शामिल हर पार्टी की होनी चाहिए उचित भागीदारी। और आरसीपी सिंह के बयान के बाद एक अन्य जदयू नेता ने भी कहा कि जदयू के 16 सांसद फिर भी मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर मंथन की आवश्यकता है, भागीदारी मंत्रिमंडल में मिलनी ही चाहिए। अध्यक्ष के बयान पर भाजपा को गौर करने की जरूरत है, ऐसा भी कहा जा रहा है। जो बयान दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भाजपा को गौर करने की आवश्यकता है। एक भाजपा नेता ने कहा दबाव डालना चाहती है जदयू, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जदयू की तरफ से की जा रही है। अभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र में आप देख रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की तमाम खबरें आ रही हैं। इसी बीच ये खबर भी बेहद महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार में होना चाहिए एनडीए के जो घटक दल हैं, जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं उनका शेयर। जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद हैं लेकिन सरकार में भागीदारी उनकी नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल हर पार्टी की उचित भागीदारी होनी चाहिए। और आरसीपी सिंह के बयान के बाद एक अन्य जदयू नेता ने भी कहा है कि जदयू के 16 सांसद हैं लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल में भागीदारी ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष के बयान पर भाजपा को गौर करने की जरूरत है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और साथ ही एक भाजपा लीडर ने कहा है कि दबाव डालना चाहती है जदयू, बाकी कुछ नहीं। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से संभव है, ये महत्वपूर्ण खबर है। संसद का मॉनसून सत्र कोविड काल में 19 जुलाई से संभव है। संक्षिप्त मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संभावित, ये खबर मिल रही है कि हो सकता है संक्षिप्त मॉनसून सत्र को लेकर 19 जुलाई से 23 अगस्त तक कोई संभावित प्रस्ताव बने या फिर संभावित कार्यक्रम बन सकता है। मॉनसून सत्र को लेकर मॉनसून सत्र में विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। मॉनसून सत्र अगर आपको होता है तो विपक्षी दल अभी से ही ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को अलग अलग मुद्दों पर किस तरीके से घेरा जाए, क्योंकि कोविड भी है, कोविड को लेकर लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं। वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम बड़ी पार्टियां, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि सरकार ने उस तरीके से प्रबंधन नहीं किया कोविड के दरमियान जिस तरीके से करना चाहिए था। राज्यों के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया गया। अब जाहिर सी बात है मॉनसून सत्र जब आगे बढ़ता है या फिर ऐसी कोई तस्वीर उभरती है तो विपक्षी दल हंगामा करेंगे। कोरोना कुप्रबंधन, बेरोजगारी, बढ़ती तेल की कीमतें, बढ़ती महंगाई साफ तौर से, और इसके साथ ही अलग अलग मुद्दों पर घेरने की तैयारी विपक्षी दल कर रहे हैं। वहीं सेंट्रल विस्टा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चीन मुद्दे को लेकर भी विपक्ष हमलावर होगा। सेंट्रल विस्टा को लेकर आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस हमलावर है। ट्वीट के जरिए भी केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्र को घेरा जा रहा है। मॉनसून सत्र में भी ये तमाम मसले उठेंगे और साथ ही चीन का मुद्दा भी अभी तक नहीं सुलझा। चीन के साथ जो टकराव की स्थिति है, जो गतिरोध की स्थिति है, वो भी एक बड़ी समस्या है हिंदुस्तान के लिए। इसको लेकर भी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, घेरने की कोशिश होगी। ऐसे में संक्षिप्त मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लक्षदीप की आयशा सुल्ताना को मिल रहा समर्थन, फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर राजद्रोह का मामला, लेकिन अब समर्थन आयशा सुल्ताना को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके विरोध में 12 भाजपा नेताओं ने छोड़ी पार्टी, अब समर्थन उसको दिया जा रहा है। साथ ही खबर ये कि इसके विरोध में 12 भाजपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। प्रदेश भाजपा महासचिव अब्दुल हमीद भी इनमें शामिल हैं। और साथ ही आयशा ने की थी प्रफुल्ल पटेल खोड़ा के खिलाफ टिप्पणी, लगातार वहां पर आप देख रहे हैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल खोड़ा के खिलाफ
आंदोलन तरीके से चल रहा है। आयशा ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ टिप्पणी की थी। लक्षद्वीप के प्रशासक हैं भाजपा के प्रफुल्ल पटेल खोड़ा, जिनको लेकर उन्होंने टिप्पणी की। प्रशासक के खिलाफ टिप्पणी करने पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हुआ। कई और भाजपा नेताओं के पार्टी छोड़ने के भी आसार है। खबर यह है कि कई और भाजपा के लीडर्स हैं जो पार्टी को बाय बाय कह सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। पकड़े गए नरभक्षी तेंदुओं को गुजरात भेजने पर विचार हो रहा है। पकड़े गए नरभक्षी तेंदुओं को लेकर यह खबर है कि उनको गुजरात भेजने पर विचार हो रहा है। उत्तराखंड में तेंदुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। नैनीताल हरिद्वार में रखे जाते पकड़े गए तेंदुए 2000-2020 के दौरान 2000 से 2020 के दरमियान राज्य में 75 तेंदुए नरभक्षी घोषित। सिर्फ पिछले 5 वर्षों में पकड़े गए 27 नरभक्षी तेंदुए। नैनीताल हरिद्वार में ज्यादा तेंदुए रखने की क्षमता नहीं है और इसलिए गुजरात के जामनगर भेजे जाएंगे 6 तेंदुए। ऐसी खबर है कि इसको लेकर मंथन हो रहा है। नैनीताल हरिद्वार में इनको रखने की जगह अभी है नहीं और इसी को लेकर खबर ये कि मंथन हो रहा है गुजरात के जामनगर इनको, हो सकता है कि भेजा जाए। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का बड़ा बयान सामने आया है। श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल, जिनका बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस और आपके साथ गठबंधन नहीं हो सकता, ये सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पॉसिबल नहीं है। पंजाब की वो बात कर रहे हैं। बीएसपी के साथ गठबंधन से खुशी है, सुखबीर सिंह बादल ने कहा। बीएसपी के साथ हाल ही में गठबंधन किया है अकाली दल ने और इसको लेकर वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। बाकी दलों से भी संपर्क करेंगे। अब एक तरफ वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कांग्रेस और आपसे गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बाकी दलों से भी संपर्क लगातार करेंगे। अमरिंदर सिंह के खिलाफ जनता में आक्रोश है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अमरिंदर सिंह के खिलाफ, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और दूसरे दलों को भी साथ लाने की कोशिश करेंगे, सुखबीर सिंह बादल ने कहा। शिवसेना नेता संजय राउत का सामना में लेख है। एक बड़ी बात संजय राउत ने कही है सामना में उनका लेख, उद्धव सरकार पूरे 5 साल चलेगी। अब ये संजय राउत की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। संजय राउत का लेख छपा है सामना में। उन्होंने कहा है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। सरकार को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। संजय राउत ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया, ये कहा कि सरकार वहां पर सेफ है, सुरक्षित है, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी पार्टी है महाराष्ट्र में, वो भ्रम फैला रही है, अफवाह पैदा कर रही है। पीएम से मुलाकात निजी और सामान्य मुलाकात थी। अभी दिल्ली में उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इसको लेकर यह कहा गया कि आखिर मुलाकात के मायने क्या है। संजय राउत ने कहा है कि पीएम से मुलाकात निजी और सामान्य मुलाकात थी। महाविकास अघाड़ी में 50-50 का फॉर्मूला नहीं है, संजय राउत ने यह कहा। पंजाब सियासी हलचल के बीच एक नया अपडेट आपको देते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को समन, ये बड़ी अपडेट है। पंजाब में सियासी घमासान मचा हुआ है, सियासी हलचल के बीच में एक नया अपडेट है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को समन, एसआईटी ने 16 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है बादल को। कोटकपुरा गोलीकांड में होंगे सवाल जवाब। कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर उनसे कई सवाल दागे जाएंगे, उनसे जवाब लिए जाएंगे। 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग प्रकरण है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही प्रकरण की जांच पड़ताल, अब इसी मसले पर पूछताछ उनसे होनी है। 16 जून को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा प्रकाश सिंह बादल को। उनको समन दे दिया गया है। पूछताछ के लिए 16 जून की वो तारीख है जब उनको पेश होना होगा। उनसे कई सवाल जवाब किए जाएंगे। क्या जम्मू कश्मीर में चल रही चुनाव की तैयारी, ये सुगबुगाहट वहां पर महसूस की जा रही है, इसलिए सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जम्मू कश्मीर में चल रही चुनाव की तैयारी, केंद्र सरकार जल्द कर सकती है बातचीत की शुरुआत। ऐसी भी खबर है कि केंद्र की सरकार हो सकता है जल्द कर सकती है बातचीत की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बातचीत की शुरुआत केंद्र की सरकार कर सकती है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर हो सकती है बातचीत अलग अलग दलों से, और इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू करने पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी तक नहीं भेजा गया इस संबंध में कोई आधिकारिक न्योता, ये भी खबर है कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक न्योता नहीं भेजा गया है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत गुपकार भी बैठक में शामिल होने को राजी है। अब अगर ऐसा होता है तो जल्द ही कोई तस्वीर साफ हो सकती है। बहरहाल ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव की कोई तस्वीर जम्मू कश्मीर को लेकर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। लद्दाख में सेना को मिली नई बोट्स, पेंगोंग झील में हुई बोट्स की तैनाती, ये बड़ी खबर है। सेना के लिहाज से सर्विलांस में बोट्स का इस्तेमाल हुआ।
लद्दाख में सेना को नई फोर्स मिल गई है, इससे सेना की स्थिति और भी मजबूत होगी जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। लद्दाख में एलएसी पर चीन से चल रहे टकराव के बीच भारतीय सेना को पेंगोंग त्सो झील में गश्त के लिए नई बोट मिलनी शुरू हो गई है। इन नई बोट्स को भारत के ही दो बड़े शिपयार्ड में तैनात किया जाना था। 12 बोट्स का ऑर्डर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया था और 17 बोट का ऑर्डर एक प्राइवेट शिपयार्ड को दिया गया था। बोट्स मिलने से भारतीय सेना की स्थिति एलएसी पर मजबूत होगी और इसीलिए भी सेना के लिहाज से इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे वक्त से इसकी दरकार भी महसूस की जा रही थी। डिफेंस के लिए 499 करोड़ का बजट। डिफेंस के लिए लगातार बजट बढ़ाए जाने को लेकर कई बातें विपक्षी दल भी कर रहे थे, उसी बीच बड़ी खबर है, डिफेंस के लिए 499 करोड़ का बजट। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये फैसला लिया गया है। भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने ये कोशिश सरकार की है और इसी के तहत आगे बढ़ते हुए फैसला लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पास किया है ये बजट। कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ ALH MK3 हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर का HAL ने निर्माण किया है, साथ ही पेट्रोलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सेना की शक्ति जाहिर तौर पर बढ़ेगी।